बीजेपी उत्तर प्रदेश सेल के नईबई जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी मार्कंडेय केवट हरिओम ने आज सादगी भरे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर पावने में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने मार्कंडेय केवट हरिओम के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और समाजसेवी मौजूद थे। देखिए झलकियां। वरिष्ठ समाज सेवी और बीजेपी उत्तर प्रदेश सेल के नईबई संयोजक मार्कंडेय केवट हरिओम ने आज पावने में केक काटकर अपना 49वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उनके जनसंपर्क कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्य कर्मी अरविंद राही, बीजेपी नेता राजेश राय, नगर सेवक शशिकांत भोई, राजू सिंधे, समाज सेवक राजू इंगले, हिंदी भाषी नेता वीरेश सिंह, सुरेश पाल और जैम बे मित्र मंडल के अध्यक्ष अजय कृष्ण तिवारी समेत तमाम स्थानीय नेता, उद्यमी और महिला कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने हिंदी भाषी नेता मार्कंडेय केवट हरिओम को दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हिंदी भाषी नेता मार्कंडेय हरिओम को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए बीजेपी नेता राजेश राय और वरिष्ठ साहित्य कर्मी अरविंद राही ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जिस समय मुंबई में इतनी भयंकर बारिश हो रही हो और ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया हो, लगातार 5-6 दिन से वर्षा हो रही हो, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थित रहना ही अपने आप में बता रहा है कि मार्कंडेय जी की लोकप्रियता क्या है, किस तरह से लोगों के दिलों में इन्होंने घर बना रखा है और इनकी विनम्रता ही इनका सबसे बड़ा गुण है, जिसकी कि आज हम लोग छाप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में। इनका जन्मदिन जिस तरह से मनाया गया, ये समाज में अपनी सच्ची भूमिका निरूपित करने वाले लोगों का ही ये चेहरा है और ये चेहरा हर समाज में, हर तबके में अगर इस तरह से हो तो यही हमारी उपलब्धि है। मार्कंडेय जी जिस तरह से अपनी विनम्रता को लेकर के साथ में चलते हुए बिना किसी राग द्वेष के समाज का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में लोकप्रियता उनकी आप देख ही रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरा तो इतना ही कहना है कि ये इनके जीवन की यात्रा का प्रारंभ है, अभी तो ये अर्ध विराम पर भी नहीं पहुँचे हैं, अभी इनका शिखर आना बाकी है और ये खूब उस शिखर को पहुँचे, उस शिखर को प्राप्त करें जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए लोग कामना करते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि मार्कंडेय जी अपने शिखर को प्राप्त करें। हम लोग में एक अपार खुशी थी क्योंकि हम लोग सभी लोग अच्छी तरह इनकी क्षमताओं को जानते थे कि आगे चलकर ये पार्टी के लिए, समाज के लिए किस तरह काम करते हैं, उसी को देखकर हम लोग ने आपस में विचार किया था, चाहे राही जी हो, चाहे संजय पांडे जी हो, चाहे संजय उपाध्याय जी हो, रामचंद्र गरज जी हो, हम लोग ने फैसला लिया, उसमें आदरणीय श्री संदीप नाय जी का भी सपोर्ट था कि मार्कंडेय जी को कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए ताकि जो ये सामाजिक कार्य कर रहे, नीचे से नीचे व्यक्ति तक अपना ये जो मदद पहुंचाते हैं, जो उनके सुख दुख में काम आते हैं, अगर इनको एक ताकत मिलेगी तो ये अपना काम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कि इतने बारिश में भी इनके चाहने वाले कितने लोग हैं कि सभी लोग इस बारिश को न देखते हुए भी आकर इनको शुभकामना दे रहे हैं। वहीं अपने जन्मदिन पर हजारों चाहने वालों की शुभकामनाएं पाकर भावुक हुए बीजेपी यूपी सेल के अध्यक्ष मार्कंडेय केवट हरिओम ने बधाइयों के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि समर्थकों का यही प्यार और उत्साह उन्हें जनता के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आज हम हमारे जो भी गणमान्य अतिथि आए हैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनसे कामना करता हूं कि वो ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। हम आज सब लोगों ने मिलकर कार्यालय का उद्घाटन किए और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे साथ में राजेश राय जी हैं और हमारे गणमान्य सर लोग हैं जो हमारे साथ जो हमको प्रेरणा देते हैं, राय जी हो गए, शर्मा जी हो गए और आप जैसे पत्रकारों का जो हमको साथ मिला है, तो हम जरूर ये जानते हैं कि जहां अच्छे विचार हो और अच्छे लोगों की राय मसौदा से काम अगर होता है तो हम आगे उन्नति करेंगे। एक बार फिर हम सबको हृदय से जो है कि आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे अतिथि जो भी आए हैं उनको जो भी आने में तकलीफ हुई, इतनी बारिश है फिर भी सब लोगों ने हमारा सम्मान किया, इसलिए मैं हृदय से एक बार उनको आभार करता हूँ। पूरा विश्वास है, अभी हमको पूरी ताकत नहीं मिली थी, आज भाजपा कार्यालय होने की वजह से
हमारे पीछे बैक सपोर्ट भी मिला है और हम और जोर शोर से जो है कि काम कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।